नमस्कार, रिसेंटली देश में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में जन शिक्षण संस्थान के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को तथा जन सामान्य को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें कई टिप्स देकर बताया गया कि किस प्रकार से बरसात के मौसम में बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जलालाबाद कोला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जन शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराग शर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ने कहा कि कूड़ा कचरा का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताया कि कूड़े कचरे का रिसाइकलिंग कर उसको उपयोग में भी लिया जाता है। सभी प्रकार के कचरे अलग अलग निस्तारित करने चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी राम शरण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नालियों की सफाई के साथ ही बरसाती पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। लोगों को अपने अपने मोहल्लों की सफाई की निगरानी स्वयं करनी चाहिए। जन शिक्षण संस्थान के सुशील कुमार मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि वर्षा काल में होने वाले संक्रमण व दूषित आहार से बचना चाहिए। कार्यक्रम में शिवम तिवारी, अतीत गुप्ता, मनदीप वर्मा अनुदेशक, ओम प्रकाश त्रिपाठी संचालक, कार्यक्रम अधिकारी राकेश गंगवार तथा भाजपा नेत्री कुसुमा देवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जन शिक्षण संस्थान व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित रहे तथा उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सफाई के प्रति सजग रहकर अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो शाहजहांपुर।